अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। थैंक यू अंकल। तो हो गई आपकी रोमांटिक बातें? बताइए अंकल, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मुस्कान दोबारा कैफे जाना चाहती है। कल के हादसे से मैं और डर गया हूं। अगर तुम निश्चिंत हो तो ही मैं मुस्कान को जाने दूंगा। योर कॉल। अंकल, मुस्कान की तबीयत अभी ठीक है और उसे वही करने देना चाहिए जो उसका दिल चाहता है। कैफे जाना चाहती हो? जाओ, सिर्फ खुश रहो। वैसे अंकल, आपने इनकी हाथ की कॉफी पी है कभी? इतनी माइंड ब्लोइंग कॉफी बनाती मुस्कान, सच में। कैफे वाली कॉफी। शौंकल, वैसे शौंकल, आपको कुछ नहीं कहना, सब ठीक है? हाँ बेटे, सब ठीक है। चलता हूँ बेटे। यू टेक केयर अंकल। सी यू। डॉक्टर अनिरुद्ध अंदर बुला रहे हैं, आप अंदर जा सकते हैं। थैंक्स भाई। भाभी चलिए, सवालों के जवाब पाने के लिए मैं और इंतजार नहीं कर सकता। लेट्स गो। एक्सक्यूज मी सर, वो कॉफी आप अंदर नहीं ले जा सकते, उसे ही पिला दो। देयर यू गो, ये आपके लिए और ये आपके कलीग के लिए। थैंक यू। चलिए। चलो चलो, हटो हटो, जाने दो जल्दी। डॉक्टर अनिरुद्ध को जल्दी बुलाइए, ये आदमी अपनी बिल्डिंग के चौथे माले से नीचे गिर गया और बहुत बुरी तरह जख्मी है। हेलो सर, एक इमरजेंसी है। जी सर, आप लोग अंदर जा सकते हैं। थैंक यू। चलो चलो, हटो हटो, जाने दो, हटो हटो। एक्सक्यूज मी सर, अभी आप डॉक्टर से नहीं मिल सकते, एक इमरजेंसी केस है। देखिए, मेरा डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। It's okay, Rohan. चलो रोहन, घर चलते हैं। पता नहीं डॉक्टर को इस केस में कितना टाइम लग जाए। हेलो रोहन, कहाँ हो तुम? भाई भाभी के साथ हॉस्पिटल आया था। हॉस्पिटल? अरे तुम्हारा हल्का सा सर दर्द क्या हुआ? भैया भाभी तुम्हें डायरेक्ट हॉस्पिटल ले गए। कल अगर तुम्हें फीवर हो गया वो तो सीधा तुम्हें आईसीयू में ही डाल देंगे। वाह। अनु, फोन क्यों किया था? ज्यादा सवाल जवाब मत करो, ये तुम्हारा नाजुक से सर है ना, फट जाएगा। कोई जरूरी काम था क्या? तुमसे तो बात ही करनी बेकार है, भाभी को फोन दो जरा। इतनी देर से उनका फोन ट्राई कर रही हूँ, साइलेंट पे है शायद। किसका फोन है? अनु का। हाँ अनु, हेलो भाभी, आप लोग कहाँ पहुंचे? अरे बस हम लोग निकल ही रहे हैं, वहां सारी तैयारियां हो गई ना।
हाँ भाभी सब कुछ तैयार है, आपका ही वेट कर रही हूँ, प्लीज जल्दी आ जाइए ना। क्या तैयार? रोहन रुको ना, तुम्हें सब कुछ क्यों जानना होता है? क्या छुपा रही है मुझसे? सब्र करना मेरे भाई, वहां पहुंचेगा तो सब पता चल जाएगा। चलो भाई लेट हो रहे हैं, चलो। कोई बताता क्यों नहीं मुझे कुछ? अरे चल तो सही। कब की आप लोगों ने? और इसी तैयारी के बारे में बात करी थी। अभी तुझे अच्छा लगा? यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बहुत बहुत, आई डोंट हैव वर्ड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू रियली। थैंक यू? अब तो हम लोग को थैंक यू बोलेगा? अभी मैं बता नहीं सकता आपको कि आप लोगों को यहां देखकर मैं कितना खुश हूं। हाय, यहाँ पे तो बड़ा सेंटी सीन चल रहा है। अरे एक दो लाइन मुझे भी दे दो ना, मैं भी थोड़े से डायलॉग बोल लेती हूँ, थोड़ा तो क्रेडिट मुझे भी मिलना चाहिए। हाँ हाँ रोहन, पूरा क्रेडिट इसी को जाता है, हम तो भाई यहाँ थे नहीं, सारा काम इसी ने संभाला है। रियली? हाँ हाँ। तो ये सब तुमने मेरे लिए किया है? हाँ, तुम्हारे लिए नहीं, भैया और भाभी के लिए किया है। मेरे लिए अपनी फीलिंग्स छुपा रही हो? नॉट बैड। ख्वाब देखते रह जाओगे बच्चों। वो तो हम हमेशा देखते रहते हैं, क्या करें। तुमने फ्लर्ट करने में डिग्री ली है क्या? हाँ, पेंटिंग तो यूं ही करता हूँ लोगों को दिखाने के लिए। एक्चुअली आई एम अ प्रोफेशनल फ्लर्ट, यू सी। यस। रोहन, आधे घंटे बाद का मुहूर्त है, जाओ हाथ में धो लो। हाँ अभी है। अरे भैया पंडित जी अभी तक नहीं आए, प्लीज पूछे ना कहाँ पहुंचे। हाँ मैं फोन करता हूँ। भाभी मैंने सारा अरेंजमेंट कर दिया है, सामग्री बची है वो भी मैं प्रिपेयर करती हूँ, प्लीज आप देख लीजिए। हाँ अनु वो तो ठीक है, मैं क्या सोच रही थी कि हम आसपास के लोगों को भी इन्वाइट कर लेते ना, ठीक रहेगा ना? सुपर आइडिया भाभी, इसी बहाने रोहन की भी जान पहचान हो जाएगी। अच्छा भाभी मैं एक बार इसको फिनिश कर लूँ फिर मैं जाती हूँ बुलाने के लिए। नहीं नहीं अनु, तू तो वैसे भी सुबह से इतना काम करे, तू यहाँ देख ले, मैं इनवाइट कर लूंगी। मुस्कान, मैं प्रीति हूँ, रोहन की भाभी। जी कहिए ना आप, प्लीज बैठिए, आप कुछ लेंगे? नहीं मैं यहाँ कॉफ़ी पीने नहीं आई हूँ, दरअसल आज रोहन की आर्ट गैलरी में इनॉग्रेशन की पूजा है, अगर तुम आओगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज पॉसिबल हो पाएगा। एक्चुअली
मैं कैफे में भी बहुत लेट आई हूँ और मुझे बहुत काम है, इसलिए जल्दी निकलना है। आई एम सो सॉरी। मतलब तुम नहीं आ पाओगी? मुस्कान, मैं जानती हूँ कि कई बार उसने तुम्हारे साथ बहुत बहुत अजीब बर्ताव किया है। मुस्कान, उस बात के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आज का दिन रोहन के लिए बहुत बड़ा है और तुम तो मैं तो क्या? तुम दोनों अब एक दूसरे के नेबर्स हो ना? तुम चाहो ना चाहो रोज तुम्हें एक दूसरे का चेहरा देखना ही होगा, इसलिए मेरे हिसाब से अगर तुम लोग का बर्ताव, तुम्हारा रिश्ता थोड़ा अच्छा हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा होगा। एनीवेज, तुम आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। श्योर आप कुछ लेंगी नहीं? नहीं मुस्कान, मुझे अकेले देर हो रही है, मैं चलती। अभी अभी तारा, मैंने अनिरुद्ध को कुछ नहीं बताया। तारा, मैं जानता था तुम इस बात को लेकर बहुत टेंस होगी, इसलिए मैं हॉस्पिटल से ऑफिस के बजाय घर चले आया। थैंक यू सो मच अभी। थैंक यू अभी। आज एक बार फिर तुमने हमारी बेटी की जिंदगी तबाह होने से बचाई। सॉरी गुस्से में आके पता नहीं मैंने आपको क्या क्या कह दिया। पता नहीं अभी मुस्कान पर कोई बात आती है तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता मैं क्या करूं। माँ हूं ना मैं उसकी। मैं जानता हूं हमारे बच्चों की खुशी से बढ़कर तुम्हारे और कुछ नहीं। हाँ, कभी कभार हमारे बीच मतभेद हो जाते हैं, लेकिन ये मत समझो कि मैं नहीं जानता कि तुम हमारे बच्चों का कितना ख्याल रखती हो। अभी मैं भी जानती हूँ तुम मुस्कान को उसके अतीत के बारे में क्यों बताना चाहते हो, क्योंकि तुमसे उसका दुख देखा नहीं जाता। सारा, जब भी मैं मुस्कान की आंखों में देखता हूँ वो खालीपन देखकर मुझे कितना दुख होता है। ऐसा दुख मैंने कभी पहले महसूस ही नहीं किया है। ठीक हो जाएगा अभी, मुस्कान के अनिरुद्ध से सगाई हो जाएगी, मुस्कान खुश रहेगी, हम सब खुश रहेंगे। क्या फिर पहुंच गई तुम अपने? हाँ। दवाई ले ली? हाँ। मुस्कान, योर शॉप अंकल ठीक है ना? मुझे इनको देख के लग रहा था कि वो ठीक नहीं है, नो कुछ उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है। नहीं। क्या हाँ नहीं लगा रखा है, उसके अलावा कुछ बोलो अभी। तुम इतनी चुप क्यों? सॉरी, वो एक्चुअली मैं कुछ सोच रही थी। हाँ, मुझे लगा ही तुम कुछ सोच रही थी, बताओ क्या बात है। वो रेड टी शर्ट है ना, उसकी आर्ट गैलरी में आज एक पूजा है। उसकी भाभी आई थी यहाँ मुझे इनवाइट करने के लिए। अनिरुद्ध वो चाहती कि मैं उनके यहाँ पूजा में जाऊँ। तो
तुमने क्या सोचा है, तुम जाओगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसकी भाभी तो बहुत स्वीट है, पता है उन्होंने मुझसे सॉरी भी कहा, लेकिन वो रेड टी शर्ट है ना, मैं जाऊंगी वहां और पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। मुस्कान, मुस्कान, अगर उन लोगों ने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं चला जाता। एंड सेकंडली, पूजा है तो पूजा के लिए मना नहीं करना चाहिए मुस्कान। वो तो सही है, लेकिन अनिरुद्ध एक दूसरी बात भी है। बताओ, ये भी बताओ, ये भी तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ। वो मुझे मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है कि पूजा में क्या किया जाता है। ये तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए मुस्कान, तुम्हें वहां जाकर अच्छा लगेगा। अपने लिए प्रार्थना करना और थोड़ा मेरे लिए भी। और सुनो, मेरे लिए वहां से प्रसाद जरूर लेकर आना, पेड़े लाना, यू नो आई लव पेड़ास ना, पूरा खा मत जाना। ओके, ठीक है, टेक केयर। अनुष्का, सारी तैयारियां हो गई? हाँ भाभी, सब कुछ हो गया, सब बैठने का अरेंजमेंट हो गया, अब देख लो एक बार। अगर सभी लोग आ गए हो तो पूजा के लिए बैठे हम सब। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ पापा, आपके लिए। प्रीति जी, मुझे पूजा के बारे में पहले पता नहीं था, इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं ला पाई, लेकिन ये मफिन्स हैं, एगलेस मैंने खुद बनाए। इसकी क्या जरूरत थी मुस्कान? थैंक यू। प्रीति जी, आपने मुझे यहां बुलाया उसके लिए शुक्रिया। एक तो तुम मुझे प्रीति जी कहना बंद करो। तो फिर क्या बुलाऊं? भाभी, मेरा मतलब है सब मुझे भाभी कहते हैं ना, रोहन, अनुष्का सब मुझे यही बुलाते हैं। तुम भी बुलाओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर भाभी। आओ मुस्कान, पूजा शुरू होने वाली है। लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते।